चीनी से बचने के लिए आप हनी, जैगरी, खांड, स्टीविया इन सभी चीजों का सहारा लेते होंगे, पर इन्हें कैसे यूज करना है, कितना करना है, इनमें कितनी कैलोरीज होती हैं, इनमें से आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, क्या आप जानते हैं? चलिए ये सब समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ध्यान से जरूर देखें। हेलो एवरीवन, मैं हूँ दिशा और आप देख रहे हैं हर्बल 24। हम सभी जानते हैं कि रिफाइंड व्हाइट शुगर यानी कि चीनी में एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, मतलब ओनली कैलोरीज, नो न्यूट्रिएंट्स। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई होता है, इसी वजह से शुगर वेट गेन, ओबेसिटी और डायबिटीज का कारण बनती है। ज्यादा चीनी खाने से स्किन का खत्म होना और स्किन जल्दी एज होने लगती है। चीनी से प्लाक का रिस्क भी बढ़ता है, इसलिए दांतों के लिए भी हार्मफुल होती है। ज्यादा शुगर से हार्ट से जुड़ी परेशानियां, फैटी लिवर, अल्जाइमर का रिस्क भी बढ़ता है, और इन्हीं कारणों से हम चीनी से बचने की कोशिश करते हैं और फिर हेल्दी सप्लीमेंट्स को ढूंढते हैं। तो चलिए आज एक एक करके शुगर के इन सभी हेल्दी अल्टरनेटिव्स की बात करते हैं। सबसे कॉमनली यूज किए जाने वाला ऑप्शन होता है देसी खांड और जैगरी पाउडर। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चीज हैं। चीनी को कहते हैं रिफाइंड शुगर और देसी खांड होती है अनरिफाइंड शुगर। इसे बनाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। शुगर केन यानी कि गन्ने के जूस को बॉईल किया जाता है, फिर उसे सॉलिडिफाइड करते हैं और रेडी हो जाती है देसी खांड। कोई प्रोसेसिंग या फिर रिफाइनिंग नहीं होती, इसलिए टेस्ट एकदम नेचुरल और अर्दी होता है। इसके अंदर मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम भी इंटैक्ट रहते हैं। इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को कम करते हैं और डाइजेशन को बढ़ाते हैं। अब अगर बात करें कैलोरीज की, तो 1 ग्राम चीनी में होती है 16 कैलोरीज और 1 ग्राम खांड में, गेस कीजिए, उसमें भी होती है 16 कैलोरीज। देसी खांड किसे लेनी चाहिए? वो लोग जिन्हें शुगर क्विट करना बहुत मुश्किल लगता है, देसी खांड पे स्विच करना उनके लिए पहला स्टेप हो सकता है। कैलोरीज उतनी रहेंगी मगर 2-4 बेनिफिट्स ऐड हो जाएंगे। तो अगर आपके घर अभी भी चीनी आती है तो उसे बिल्कुल बंद करके उसके जगह पे आप एटलीस्ट खांड या फिर जैगरी पाउडर लाना स्टार्ट कर दें। खांड के होते हुए चीनी की घर में पूरी तरह से नो एंट्री हो जानी चाहिए। अपनी चाय, कॉफी में या फिर घर के कुछ भी मीठा बनाने में उसमें चीनी की जगह पे आप खांड का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं कि खांड किन लोगों के लिए ठीक नहीं है। जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं या जिन्हें डायबिटीज है, उनके लिए खांड उतनी ही हार्मफुल है जितनी की शुगर, क्योंकि उसमें सेम कैलोरीज होती हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लगभग सेम ही होता है, इसलिए चीनी की जगह खांड यूज करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसे में क्या यूज कर सकते हैं, ये हम जानेंगे अभी थोड़ी देर। फिलहाल चलते हैं आगे और बात करते हैं अगले अल्टरनेटिव की, विच इज धागे वाली मिश्री। क्या होती है ये धागे वाली मिश्री और ये चीनी या खांड से कैसे अलग है? तो चीनी बनाने के प्रोसेस में चीनी का जो सॉल्यूशन होता है, उसे रिफाइनिंग प्रोसेसिंग की जगह उसके अंदर केमिकल्स डालने की जगह अगर पहले ही उस लिक्विड को क्रिस्टलाइज कर दिया जाए तो वो मिश्री बन जाती है। कई बार इस सॉल्यूशन को थ्रेड्स यानी कि धागों के अराउंड क्रिस्टलाइज करते हैं, जिससे ये धागे वाली मिश्री बनती है। तो अल्टीमेटली धागे वाली मिश्री के अंदर भी सेम कैलोरीज हैं, पर क्योंकि इसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स नहीं डाले जाते, चीनी से ज्यादा प्योर होती है, क्लियर होती है, इसलिए धागे वाली मिश्री को हम हवन और पूजा में यूज करते हैं। ये चीनी ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेटेड होती है, इसलिए इसकी मिठास यानी कि स्वीटनेस चीनी से कहीं ज्यादा होती है। इसलिए जो लोग बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जिन्हें इंस्टेंट एनर्जी की नीड होती है, इस मिश्री को खाकर उन्हें इंस्टेंट ग्लूकोज यानी कि एनर्जी मिलती है। मिश्री को यूजुअली भी लिया जाता है। ये थ्रेड की ड्राइनेस को कम करके पेन को आराम देती है, पर जैसा मैंने बताया कि इसमें कैलोरीज ज्यादा होती हैं, इसलिए इन सभी कंडीशन में मिश्री लेना रिकमेंडेड नहीं है। चलिए अब बात करते हैं अगले कॉमन अल्टरनेटिव की, हनी यानी कि शहद की। नो डाउट हनी चीनी से ज्यादा न्यूट्रिशियस है, क्योंकि उसके अंदर विटामिन B6, मैग्नीशियम, जिंक जैसे बहुत से मिनरल्स और विटामिन होते हैं। चीनी के कंपैरिजन में हनी कम प्रोसेस्ड होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी चीनी से स्लाइटली कम होता है। सो चीनी को ऑब्वियसली हनी से रिप्लेस करना एक बेटर ऑप्शन है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हनी एक लो कैलोरी या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड है। हनी इज मोस्टली फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, इसलिए ज्यादा अमाउंट में लेने से वेट गेन और डायबिटीज का रिस्क बढ़ता है। अब शायद आपने सुना होगा कि सुबह उठकर गुनगुने पानी में नींबू के साथ हनी डालकर लेने से फैट कट होता है। चलिए इसे भी क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो ऐसा देखा गया है कि जो लोग सुबह उठकर इस ड्रिंक को लेते हैं, वो ज्यादा हाइड्रेटेड फील करते हैं और उनकी एपेटाइट कंट्रोल हो जाती है, मतलब वो ओवर ईट नहीं करते।
कुछ एविडेंस ये भी बताते हैं कि ये ड्रिंक मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, जिससे फैट बर्निंग में हेल्प मिलती है। ये डाइजेशन को भी सपोर्ट करता है और न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को बॉडी में बढ़ाता है। तो सुबह उठकर खाली पेट चाय या कॉफी की जगह आप लेमन हनी वाटर ले सकते हैं, वो एक मच बेटर ऑप्शन है। और इसके अलावा स्मूदीज जैसी चीजों में भी स्वीटनेस के लिए हनी ऐड करना एक अच्छा ऑप्शन है। और ये तो आप जानते ही हैं कि हनी के बहुत से मेडिकल बेनिफिट्स भी होते हैं। सो कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए, कफ कोल्ड से बचने के लिए या फिर वेट मैनेज करने के लिए हनी को यूज कर सकते हैं। हनी लेने से पहले इन तीन बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, सबसे पहले हनी को कभी भी बॉइलिंग वाटर में ऐड ना करें, इसे हमेशा ल्यूकवॉर्म वाटर के साथ लें। नंबर 2, हनी खरीदने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि कई बार हनी के अंदर चीनी भी मिक्स की गई होती है। बेटर तो ये होगा कि आप रॉ और नेचुरल हनी ही यूज करें। नंबर 3, हनी को हमेशा मॉडरेशन में यूज करें, ओवर कंजम्पशन अवॉइड करें। चलिए अब बात करते हैं शुगर के एक और बहुत ही कमाल के ऑल्टरनेटिव की, मीठे ड्राई फ्रूट्स जैसे कि डेट्स, अंजीर, किशमिश। कई समझदार लोग रिफाइंड शुगर की जगह इन सभी ऑप्शंस को चूज करते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि ड्राई फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर के कंपैरेटिवली लो होता है। पर इसके अलावा इन ड्राई फ्रूट्स की एक और बहुत ही खास बात है कि ये फाइबर में रिच होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर प्रेजेंट नेचुरल शुगर ब्लड स्ट्रीम में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है और ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं होने देती। फाइबर फुलनेस की फीलिंग भी देता है, तो ओवर ईटिंग प्रिवेंट होती है, जहां दूसरी तरफ शुगर खाने के बाद तो और भी ज्यादा भूख लगने लगती है। ड्राई फ्रूट्स की न्यूट्रिशन वैल्यू भी काफी ज्यादा होती है। इसके अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन जैसे बहुत से विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं और हमारी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। इसलिए शुगर की जगह ड्राई फ्रूट्स को यूज करना एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन है। तो ये थे शुगर के हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स। आप चीनी छोड़कर इन चीजों को ले सकते हैं, ये आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी चीज को ओवर कंज्यूम ना करें। और अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।